ये भी खाली पड़ा हुआ है, ये भी खाली पड़ा हुआ है, और इसमें ये खाली नहीं पड़ा हुआ है, इसमें पेयर है, एक पेयर अंदर है और एक छोटा सा बेबी है और एक बड़ा पेयर ये है ब्रीडर। अब इसको अंदर जाके देखते हैं कि इसमें बेबी है और कितने एग पड़े हैं। चलें दोस्तों आपको दिखाते हैं अंदर, ये आगे देखें जी, इसमें माशाल्लाह एक बेबी है और एक पेयर है और बाकी एग हैं वो मेरे ख्याल में अब उनमें से बेबी नहीं निकलेंगे। तो यार बस क्या कर सकते हैं, इनके थोड़े से कैल्शियम की कमी थी लेकिन वो दवाई इनकी अब चल रही है प्रॉपर तरीके, और ये पेयर भी पड़े, इनका मटकी भी लगाएंगे और बाकी चलते हैं जी अब ऊपर। ये पड़े हुए हैं हमारे गमले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो, ठीक ठाक हो? यार मैं शाम के टाइम में मैं आया हूँ छत के ऊपर, देखा तो आज हवाएं माशाल्लाह बहुत तेज़ थी और कूलर चल रहा है, और देखिए कपड़ा किस तरह हुआ है। तो सबसे पहले कपड़े को उतार देते हैं, एक साइड पे कर लेते हैं, और कूलर वगैरह चल रहा है इनको बंद कर देते हैं। अब हवाएं माशाल्लाह सही चल रही है। ये 1 2 3 गो कर फाइनली यार कूलर वगैरह बंद कर दिया, और आ जाते हैं जी फिन चीज़ में। तो देखते हैं, ये एक बेबी है और एक बेबी एक्सपायर हो गया। यार समझ नहीं आ रहा, दिन पर दिन मेरे बेबी ये देखें दोस्तों, एक और बेबी जो कि एक्सपायर हो गया। वो यार कैन करें, इतना ज़बरदस्त बेबी था और इसे पता नहीं क्या हो गया है। देखिए ना सिप निकली है, इसकी सिप निकली है, और इसे कुछ हुआ तो है यार, इस तरह तो नहीं एक्सपायर हुआ यार। यार पता नहीं क्या हो तो जा रहा है, कैन करें। मेरे दिन पर दिन जो फिंचेस के बेबी निकलते हैं, बड़े हो जाते हैं, उसके बाद एक्सपायर हो जाते हैं। मेरे साथ तो यही कहानी चल रही है, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। ये देखिए अब एक और बेबी जो कि एक्सपायर हो गया। यार क्या करें यार इनका, यार समझ से काम बाहर हो पड़ा। देखें अब एक और फिंचेस जो थी माशाल्लाह, कितना क्यूट बेबी था जो एक्सपायर हो गया। देखें और इसी हालत से देख लग रहा है कि ये सुबह ही एक्सपायर हुए थे, क्योंकि सुबह मैंने जो मैं आया था तो इधर दोनों माशाल्लाह बेबी बैठे थे, उधर अपने माँ बाप से फीड ले रहे थे। अब देखें दोनों एक माशाल्लाह एक्टिव बैठा हुआ है, दूसरा एक्सपायर हो गया। क्या कह सकते हैं यार, देखिए यार ये फिंचे जो एक्सपायर हो गया, यार क्या कह सकते हैं आप। यकीन करें इतनी हैप्पी हैप्पी मेरी वीडियो हो रही होती है और बीच में कुछ ना कुछ सैड न्यूज़ मिल जाते हैं। अब जैसे कि आपको पता है अब मेरा जो है एक्सपायर हो गया बेबी, और यकीन करें बहुत ही दुख हो रहा है। अब इसको क्या करते हैं, जिसको जो ऊपर फेंकते कवे वगैरह खा लेंगे। वो देखें वो गया, कवर वगैरह खा ले। मेरे परिंदों को यकीन करें अच्छी मेंटेन जगह करने के लिए बहुत से मतलब कि इनके लिए सहूलत निकाल रखी हैं। मिट्टी के बर्तन में पानी रखता हूँ और इनकी अच्छी फीड देता हूँ। इन्हें देख सकते हैं फीड कितनी पड़ी है मेरे मिनी जू में, हालांकि कोई फीड इस तरह का देता ही नहीं है। यकीन करें बर्ड्स को हर प्रॉपर तरीके से ना मैं मेंटेन कर रहा हूँ, और बर्ड्स को मैं दवाइयाँ भी दे रहा हूँ गर्मी के लिहाज से, जैसे होती है कैल्शियम की कमी की और ताकत की और बुखार नज़ला खांसी जुकाम जिस तरह होती है बर्ड्स की ज़रूरत, जिस बर्ड्स को बीमारी लगती है, तो वो सब बीमारी का इलाज कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी फिंचेस के बेबी मुझे समझ नहीं आ रहे, एक निकलता है बड़ा होता है फिर एक्सपायर होता है, एक निकलता है बड़ा होता है फिर एक्सपायर होता है। मेरा तो समझ से काम बाहर है यार, इसे मैं चेंज करता हूँ, इसे मैं बस आज एक दो या दो दिन में मैं इसे एक्सपायर दे दूंगा, मतलब कि चेंज कर लूँगा ये, और कोई पेयर रख लूँगा। इसकी समझ मुझे नहीं आ रही, ऐसे बददुआ करेंगे परिंदे हैं तो यार मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा। बाकी जब चेंज करेंगे फिर इधर कोई देखूँगा बर्ड वगैरह रखूँगा, और आप दोस्त में शेयर करता रहूँगा। देखें आप इनके लिए फिंचेस के लिए, हालाँकि लोग बड़े बड़े पेयर के लिए सेटिंग करता है, कूलर पंखे लगाता है, एसी लगाता है, कमरों में जैसे तरह रखते हैं, हर बंदे की अपनी गुंजाइश की बात होती है। अब देखें मैंने ये कूलर लगा रखे हैं इनके लिए, बड़ा सारा कूलर लगा रखे हैं, उसके बावजूद ही फिर चीज़ एक्सपायर हो गई। बस यार क्या कह सकते हैं, अल्लाह पाक करम करेगा, बाकी लेकिन क्या दिल बहुत हो गया। अब मेरे जो पहले लबर्स का पेयर था तो वो भी एक्सपायर हो गया था एक पेयर, फिर मैंने कुछ सेल भी कर दिए थे और कुछ नीचे मिनी जूम में रख लिए थे, और ऊपर वाला जो मिनी जूम है तो ये तो अब खाली पड़ा हुआ लबर्स वाला, और जो ये है इसमें माशाल्लाह बस क्या कहूँ, अल्हम्दुलिल्लाह पेयर तो ठीक है, लेकिन जो बेबी निकलते हैं उसको समझ नहीं आता, वो एक्सपायर हो जाते हैं, क्योंकि क्या पता जगह मेंटेन अच्छी तरह ना कर रहे हों, तो बाज़ुकात ये मसला भी हो जाता है ज़्यादातर। तो अल्लाह खैर करेगा, हाँ ये एक दो दिन मेरे पास, उसके बाद फिर ये एक दोस्त को मैंने क्या रखा है फिर वो मुझसे उठा जाएगा, क्योंकि इधर मैंने काठे वगैरह रखने हैं तो जगह का हिसाब किताब जो है ना वो नहीं बन पा रहा, तो इसलिए मैं इधर अब जो कि काठे रखूँगा, और इधर पहाड़ी का पेड़ आएगा, ये जाल थोड़े सेट कराऊँ, क्योंकि जाल जो है ना ये काठे तोड़ देते हैं, मतलब कि अपनी चूँच से ना ये काट देती है, इतनी नुकीली उनकी चूँच होती है, तो ये उनसे काट लेती हैं, तो फिर जाली वगैरह और ले आऊँगा।
मिस्त्री भाई को बुला के ये सेटिंग करवा लूँगा। बाकी कूलर एक साइड पे कर दिया है, कपड़ा भी मैंने इधर से उतार लिया है और माशाल्लाह से उधर हमसाये के कबूतर बैठे होते हैं, आज नहीं बैठे, थोड़ी देर बाद निकालेगा। और कोशिश करता हूँ कि आज मैं हमसाये की छत के ऊपर जाकर उन हमसाये के कबूतर दिखाऊँ आपको, उस वाली छत के ऊपर कबूतर दिखाऊँ। और ये देखें पता नहीं किसने पतंग उड़ा दी, पतंग उड़ाने की मेरे ख्याल में मौसम आई हुई है, मेरे ख्याल में एक वो भी उड़ रही हो रही है। चले खैर हैं, ये इधर कबूतर उड़ रहे हैं, देखें देखें अभी आएंगे वो देखें। और इस भाई में उड़ा दी है, ये देखें दोस्तों ऐसे ऐसे शुरू हो रहे हैं कबूतरबाजी। और थोड़ी देर बाद जैसे ही मेरे साथ हम साइड छत के ऊपर कबूतर उड़ाएंगे इंशाल्लाह उनकी छत पर जाएंगे और आपको कबूतरों की वीडियो दिखाएंगे और आपने बहुत इंजॉय करना। और हमारे यूट्यूब चैनल उधर हमें देहात को सब्सक्राइब भी करने हैं। और फिंच ऊपर आए बैठे हैं, बाकी नीचे कुछ फीड वगैरह खा रहे हैं, देख सकते हैं। बाकी ये पतंग भी उड़ेगी, वो भी उड़ेगी। तो दोस्तों ये थी खैर आज की हमारी वीडियो, अगर अच्छी लगी तो हमारे यूट्यूब चैनल खैर में ध्यान को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय फिंचेस।